हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह की रोज़ बनाना दिखाऊंगी। अब बहुत बार आपने देखा होगा इस तरह के फ्लावर्स को, आप सोचते होंगे कि ये फ्लावर कैसे बनेगा। तो आज मैं आपको इसी रोज़ को बनाने का फुल ट्यूटोरियल बताऊंगी। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, तो मैं इसका बताती हूँ कि कैसे बनाते हैं ये। इसके लिए मैंने सैटिन रिबन लिया है, ये सैटिन रिबन भी ले सकते हैं, गोल्डन कलर का ये गोटा भी है एक तरह से। जो जो भी लेना चाहें आप बना सकते हैं, फैब्रिक से भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 12 इंचेस का लिया हुआ है, टोटल इसकी लेंथ मैंने 12 इंचेस ली है। तो इसको यहाँ से मैं कट करके अलग कर लेती हूँ। आप लेंथ अपने हिसाब से ले, कम ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको बड़ा रोज़ चाहिए तो आप थोड़ा सा इसकी लेंथ और ले सकते हैं, अगर आपको छोटा चाहिए तो आप इसकी लेंथ छोटी करें। इसको बनाने के लिए मैंने सेम कलर का थ्रेड लिया है नीडल में, आप चाहे तो ग्लू गन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके कॉर्नर से मैं इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूंगी इस तरह से, आप देखिए। फिर इसको 3-4 बार ऐसे ही राउंड हम लपेटेंगे। आप चाहे तो इसमें कोई नीडल्स, मोटी जो नीडल होती है, आप उसकी हेल्प से भी सकते हैं। ये मैंने लपेट लिया है। अब मैं इसको यहाँ से नीचे से यहाँ से इसको फिक्स करूँगी नीडल से, ताकि ये मेरा इसे फिक्स रहे, ये खुले नहीं। तो इसे मैं कर लेती हूँ पहले। इसमें यहाँ से मैं 2 से 3 नॉट लगाऊंगी इसके अंदर, तो इसको मैं नॉट लगा लिया है मैंने। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको ऐसे ही लीव को यहाँ से मैं थोड़ा सा टर्न करूँगी, आप इसे देखिए। इसे हम टर्न करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा अपने राउंड थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। ऐसे ही हमें करना है, बस इसे समझने के लिए। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आप आसानी से बना लोगे। तो आप इसको ध्यान से देखिए। अब इसे यहाँ से मैं राउंड करा मैंने, राउंड करने के बाद यहाँ से मैं इसको टर्न करूँगी इस तरह से। फिर से इसे मैं राउंड करूँगी एक बार, फिर से टर्न करूँगी। राउंड, देन टर्न, अगेन राउंड, फिर हम टर्न करेंगे। ऐसे ही हमें पूरे में करना है। ये यहाँ से खुल ना जाए, इसके लिए एक बार वैसे मैं फिर से इस पर नॉट लगाऊंगी। तो इसे मैं स्टिच कर लेती हूँ, थोड़ा सा अटैच कर देती हूँ, ताकि ये खुले नहीं। पीछे साइड से हम थोड़े थोड़े पेटल्स को लेके अटैच करेंगे, ताकि ये खुले नहीं। तो इसको मैं अटैच कर लेती हूँ पहले। आप चाहें तो ग्लू गन से भी इसे चिपका सकते हैं, या फैब्रिक ग्लू से भी। स्टिच करने के बाद इसे मैं फिर से टर्न करूँगी, राउंड, फिर टर्न, फिर राउंड, फिर टर्न। ये रोज़ हम 2 टाइप से बना सकते हैं, मतलब 2 कलर से, 2 सैटन रिबन से भी मिला के बना सकते हैं। तो मैं आपको ये नेक्स्ट वीडियो में अपनी बताऊँगी कि कैसे ये बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। ऐसे ही टर्न करके हम ये सारी इसकी जो पेटल्स हैं इसे मैं बना लूँगी। ये बहुत ही इजी है, आप इसे बना सकते हैं। ये बनने के बाद ही बहुत ही प्यारी लगेगी। आप इसे टर्न करिए। ऐसे इसे हम टर्न करेंगे एक राउंड, फिर टर्न, लास्ट बच गया तो इसे भी यहाँ से मैं टर्न करूँगी। टर्न करने के बाद इसको मैं पीछे साइड ले जाऊँगी, ये जो जहाँ पे मेरा ये पेटल, सॉरी, ये सैटन ख़त्म हो रहा है मेरा। पीछे टर्न करने के बाद इसे मैं नीडल से इसे अच्छे से स्टिच कर लूँगी, ताकि ये मेरा जो है पेटल्स ये जो खुले नहीं, ताकि ये खुले नहीं। अगर खुल जाएंगे तो फिर ये बेकार हो जाएगा, इसलिए अच्छे से मैं इसको अच्छे से स्टिच कर लेती हूँ नीडल से। तो इसको मैंने अटैच कर लिया, आप देख सकते हैं। अटैच करने के बाद इसे जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे मैं कट कर दूँगी। अब ये फाइनली मेरा ये मेरा फ्लावर बनके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे प्यारे रोज़ बनाए हैं मैंने। आप ज़रूर इसे ट्राई करिए। आप इसका यूज़ साड़ी पे, साड़ी के जो बॉर्डर होते हैं उन पे, डेकोरेटिव मटेरियल के रूप में भी इसका यूज़ आप कर सकते हैं। आप इसे देखिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये बन के। कोई
कुर्ती की नेकलाइन पे, बेबी फ्रॉक्स पे, व्हाटएवर, कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।